गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो आज हम लोग वॉक पे थोड़ा सा 10-15 मिनट लेट हैं और उसी में मेरे को लग रहा है कि नहीं यार, गलती हो गई, जल्दी आ जाना चाहिए था। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो हिम्मत नहीं पड़ी उठने की, तो आज हम थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन फिर भी हम काफ़ी टाइम से हैं और पलटन पूरी साथ में, एक भी बच्चा छूटा नहीं है, सब आए हैं साथ में। तो यहाँ पर पूरी पलटन है। इधर हमारे शहजादे जी दूध मलाई, उधर गोलू भोलू और इधर आपकी हिमशी। ठीक है, आज हमने शहजादे को ऑफ लीश नहीं किया क्योंकि वहाँ पे एक डॉग घूम रहा है ऑफ लीश और ये जाएगा पूंछ लाता है उसके साथ खेलने और वो कर लेगा खच। कृपया लाइन में लगे ना अबू, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी वॉक के बाद में आके सबसे पहले मैंने चाय बनानी शुरू की और चाय बनानी है अच्छी सी बढ़िया सी, क्योंकि मेरे पेट में दर्द है, पीऊंगी तो थोड़े गरम गरम सेक लगेगा तो दर्द बंद होगा। गाइस चाय डन और अब लगते हैं अपने काम पे। अब देते हैं हम पौधों को पानी। सबसे पहले मैं देखती हूँ, अरे सबसे पहले ऊपर वाले पौधों को पानी, बाल्टी तो मैं लाई। सबसे पहले मैं आती हूँ ऊपर पानी देने, क्योंकि फिर धीरे धीरे धूप बढ़ती रहती है, नीचे क्या नीचे रहती है छांव। तो ऊपर वाले पौधों को पानी लगाया, अब चलेंगे नीचे वाले पौधों को पानी लगाने। और ऊपर से खड़ा होकर ना गार्डन बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब आँखों को ना इतना ग्रीन ग्रीन। सच में अपनी तारीफ अपने मुंह से बोल कर रही हूँ लेकिन ये तारीफ नहीं है, बहुत मतलब आँखों को ना बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि वाह जो मेहनत की थी सफल हो रही है। ताशी देखिए इसको कैसे पढ़ाई, आइए एक बार। कितना पानी लग रहा है। ओ तो गाइस पौधों को पानी देके ना मैं आराम से अपने पौधों के साथ में बैठी हूँ, थोड़ी देर बैठूंगी आधा एक घंटा, फिर उसके बाद मैं लगेंगे काम पे। और मैंने ऑटो वाले भैया को भी फ़ोन कर दिया, उनसे ये पूछ लिया कि वो कब तक आएंगे, क्योंकि उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जब वो फ्री होते हैं तब मैं बच्चों को लेके जा पाती हूँ। तो बोल रहे थे कि मैं आधे पौने घंटे तक आता हूँ, तो फिर हम टेलू के भाई को, ब्लैकी को, उसको उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, लेके जाएंगे। उसकी ब्लड जो ब्लड सैंपल लिया था उसकी ब्लड रिपोर्ट आई है तो उसमें सीवियर टिक फीवर है और TLC बहुत ज़्यादा लो है, तो आज फिर से इसको लेके जाना। ऑटो वाले भैया आ गए, ओह तेरी, मैं शर्ट और कैप तो भूल ही गई। ऑटो वाले भैया आ गए, अब लेके चलते हैं ब्लैकी को हॉस्पिटल। फटाफट शर्ट और कैप, और इतनी टैनिंग हो जाती है, टैनिंग हो चुकी है, गर्मी बहुत हो रही है, धूप बहुत हो रही है। चलो भैया चलो, आ जा कालू, टिल्लू, अरे टिल्लू तुझे थोड़ी बुलाया, जा भाई को बुला के ला अपने, भाई को बुला के तुझे थोड़ी जाना है, आ जाओ। कालू भाई साहब जी को हमने कर लिया किडनैप, इनको लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और जो इसके जितने भी टिक्स थे बॉडी पे वो सब झड़ गए, क्योंकि कल डॉक्टर पंकज ने, मैंने इंजेक्शन लगवाया था टिक्स का, तो अब टिक्स नहीं आएंगे एक महीने तक। यहाँ पे ना शबील लगी हुई है, तो मेरे ऑटो वाले भैया बोले कि एक गिलास पानी पी लेता हूँ, मैंने कहा बिल्कुल पियो भैया। गाइस हम लोग पहुँच गए क्लिनिक, इधर हमारे कालू जी ऑटो से कूदने को तैयार थे, यहाँ पे चलने को तैयार नहीं है। अभी तो मैं इसको गोदी में बिठा के लाई हूँ, जैसे ब्लड तो नहीं है अभी, और पहले से काफ़ी बेटर है, कल तो ऐसे गोदी में आया था, आज चल के आया। भाई साहब का पूरा ट्रीटमेंट, ड्रिप ड्रिप लग के अब सो गया इसी में है, अब उठ लो, चलो नीनू आ गई, चलो 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 उठो उठो उठो, चलो भैया चलो चलो, लकी चले घर चले। मैंने ना भैया को ऑटो में बैठते ही बोल दिया था घर से निकलते कि भैया कहीं पे गन्ने की जूस की रेडी दिखे ना प्लीज रोक लेना, मेरे को पीनी है, कल मेरे को जो लू का असर हुआ है ना, मैं आज नहीं चाहती कि मेरा आज भी दिन खराब हो, तो मैं एक ग्लास पी के जाऊंगी आगे। जा भाग जा, आज तो खुद से ही चल के जाएगा। गया 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 गया। तो गाइस कब ब्लैकी को छोड़ा उसके घर और मैं आ गई अपने घर, अब बस जाके सीधा नहाना है, उसके बाद में खाना बनाना है। साहब की चल रही है सेवा, यही करता रहता है सारा दिन इसके साथ में, शहजादे के साथ में, इसको मसाज दे रहा है इसकी मूंछों पे। भाई वाह ना अबू, यार आपकी मूंछ सफ़ेद होंगी तो मैं पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बचपन से ही सफ़ेद है, हैं बुढ़ापा समझ ही नहीं आएगा। बूढ़ा भी जवान। अच्छा जी, ऐसा ना अबू के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता साशम, एकदम आ जाता डिफेंस में। ओ थोड़े काले मसूले हैं वो, मैं भी गोले कर दूँ ब्रश। एक्चुअली इसको लेटा रखा है क्योंकि इसका ब्रश करना है, शहजादे का ब्रश हो चुका है, फिर शहजादा सो रहा है।
पेस्ट खाता ना ये और अब टाइम हो गया अपने एसी वाले कक्ष से निकल के बाहर आने का और मिरर स्किन दिखाने का। मैं आके बैठ रही हूँ अब पार्क में, बच्चे अंदर ही हैं, उनको तो खैर अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम है कि धूप अभी है, लेकिन मैं क्या यहाँ पे अपने पौधों को देखती हूँ, जांच पड़ताल करती हूँ थोड़ी, और उसके बाद में फिर पानी लगाती हूँ। और क्या हो रहा है कि पत्तों के ना जो पौधे हैं ना, पौधों के जो पत्ते हैं वो गर्मी से जल रहे हैं। अब मैं दो टाइम पानी लगा रही हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि उस साथ मैं क्या कर सकती हूँ। गर्मी इतनी पड़ रही है, धूप इतनी पड़ रही है, क्या करें। मैं टाइम से लेके गई थी ब्लैकी को हॉस्पिटल, लेकिन आते हुए मतलब वहाँ पे ना टाइम लग रहा है ब्लैकी को, दवाइयाँ ना ज़्यादा चढ़ रही हैं क्योंकि उसका जो टिक फीवर था वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, मतलब था नहीं अभी भी है। तो डॉक्टर ना उसको मतलब ऐसे ना लाइक एडमिट टाइप सा करते हैं कि कुछ घंटे मैम आपको रुकना ही पड़ेगा, हम ये सब दवाई चढ़ा रहे हैं, उसका थोड़ा सा असर दिखेगा, उसके बाद आप जाना। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन वहाँ पे ना टाइम लग जाता है। मैं गई तो टाइम से थी, मैं अपने तरफ से सोची की थी मैं मॉर्निंग में जा रही हूँ, लेकिन आते आते वही दोपहर हो गई और वही लू लग गई, गर्मी सी, तो तबीयत ना ख़राब सी हो रही है बार बार, ऐसे बीपी सा लो, बहुत अजीब सा। वही पौधों को पानी भी डन और सारे पार्क में पानी चला दिया है, टंकी भी फुल है अपनी। एक्चुअली आप लोग भी सोचते होंगे कि ये क्या बोलते हैं कि पानी आ रहा है पानी जा रहा है, क्या होता है कि जितने पौधे मैंने लगा लिए उसको पूरी एक टंकी पानी लग जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है दो टाइम सप्लाई का पानी आता है। तो मैं क्या करती हूँ कि अपना पानी बचाती हूँ, मतलब अपनी टंकी का मोटर ना चलानी पड़े, क्योंकि एक तो उससे लाइट बचती है, मोटर जब चलती है तो ऑब्वियसली लाइट सी चलेगी, लाइट बचती है, ऊपर से पानी भी बचता है। तो जो गवर्नमेंट का सप्लाई का पानी आता है वो मैं दोनों टाइम अपने पौधों को लगाती हूँ। तो ये रीज़न है मेरा बार बार ये बोलने का कि पानी आ रहा है, पानी लगाना है पौधों को। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक एक करके शहजादा को और नवाब को घुमाने वाली हूँ। ताशु नहीं जाएगा क्योंकि ताशु को हो गया फीवर, ताशु जस्ट जैसे ही सो के उठ के आया तो ताशु ने बोला कि बम्बू मेरे को ना थोड़ी ऐसी हरकत सी फील हो रही है। तो थर्मामीटर में चेक किया तो उसको 101 बुखार है, दवाई दे के सुलाया मैंने कि बेटा तू सो, मतलब सोएगा तो नहीं पर हाँ रेस्ट कर ताकि पसीना आए, थोड़ा बुखार निकले। तो ये देखो कालू को छेड़ते हुए जाते हैं, कालू अपनी दहलीज से बाहर नहीं आता, ये देखो बदतमीज कहीं। अब टाइम हो गया है हमारी वोकी का, नाबू शहजादा और पीछे हमारी पलटन है, और एक किसी दूसरे मोहल्ले का बच्चा आ गया था हमारे घर के बाहर खाना खाने, तो उसे सारे के सारे भगा के आए अपने मोहल्ले से कि तू हमारे एरिया में नहीं आ सकता, जैसे ये किसी के एरिया में जाते ही नहीं। और मैं आपको बता दूँ ये मेरे साथ वॉक करने एक दो तीन चार पाँच मोहल्ले टाप के ये जाते हैं मेरे साथ में, ये जा सकते हैं दूसरों के मोहल्लों में लेकिन इनके मोहल्ले में कोई नहीं आ सकता। यहाँ पे पलटन को कुछ दिखा और उसको दिखाने वाला था ये शहजादा, ऐसे उछल के भागा इसने, ऐसे जंप के ना वो, चलो बेटा चलो ना, हो गई बहुत देर हो गया बेटा, शहजादा चलो घर चलो, हो गया ना चलो, शाबाश मेरी गुड़िया रानी मेरी दूध मलाई। ये देखो कोयल बोल रहे रिप्लाई कर रही है कोयल। ये दोनों लाइक घूम के आए हैं, अब इनको पानी दिया जाएगा ठंडा ठंडा। ये देखो बादशाह शहजादे को इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि वो नवाब को पानी तक नहीं पीने देता, तो अब हम नवाब को कुछ भी खिलाते पिलाते हैं तो पहले शहजादे को पकड़ना पड़ता है, फिर जाके बेचारा नवाब खा पी, क्योंकि नवाब ने छोड़, जैसे ही इसके पास जाएगा ना नवाब छोड़ देगा। और ये क्या चल रहा है, ये क्या पूछ हिल रही तेरी। मैंने रख दिया लस्सी, उसके बाद मैं रखूंगी खाना, और ये देखो इनमें बच रहे हैं जूत। अब मैं आके खड़ी हुई तो शांत हो गए, मुझे जब तक ये इसमें फिनिश नहीं कर देगा मुझे यहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पता नहीं क्यों खाने को लगे इतने अग्रेसिव है। भैया आपने चप्पल क्यों रखी है हाथ में, ये चप्पल क्यों है हाथ में, करेगा क्या मेरे को, ये पी रहे हैं ये मार रहे हैं, पिएगा कोई नहीं, आपस में इतना लड़ेंगे पड़ोसी भी आ जाएंगे, तो एक एक करके अब ये पी लेगा अपना, फिर इसको पी लूंगी फिर इसको पी लूंगी फिर इसको पी लूंगी। तो गाइज आज फिर से ताशु मुझे फोन पकड़ना सिखा रहा है, होगी सेटिंग होगी, ताशु ने मुझे फोन पकड़ना सिखाया, जैसे हाई फाई बहुत बड़े ब्लॉगर्स पकड़ते हैं ऐसे, और मैं सीरियसली बता रही हूँ तेरा हर बार कोशिश करता है मैं सीख नहीं पाती, खैर ये बात अलग है, हाँ कह रहा मम्मा की तरह, मम्मा अपनी दादी को मम्मा बोलता है ठीक है। तो आज तारीख है ताशु, आज तारीख क्या, 16 जून 18 16 कल हाँ आज 16 गाइस आज तारीख है 16 जून 2024, गर्मी का सबसे गर्म दिन, और हम लोग क्या कर रहे हैं,
हम लोग पी रहे हैं अपने दिन की आज दूसरी चाय, क्योंकि इन भाई साहब को हो गया बुखार, तो कह रहे हाँ तो मैंने अच्छे से इसमें अदरक इलायची वगैरह 95 नहीं पागल 101.3 है, 95 बुखार होता है कोई, अभी तो सही लग रहा है, 95 कोई बुखार चढ़ना होता है। तो गाइज ये हमारे दिन की आज दूसरी चाय है और ये जनाब यहाँ बैठे हैं हमारे साथ में और हम आज पीने वाले हैं चाय, चाय भी आलू भुजिया 16 जून को, भरी भरी गर्मी दोपहर तपती गर्मी में टी चाहिए, टी चाहिए टी। नवाब साहब कहाँ घूम रहे हो आप? दूध में लाई, दूध में लाई। अच्छा पता है आपको इसका नाम? सारी टिकटॉक के टाइम से। अच्छा जी, अरे आप तो बहुत पुराने हो। अरे वाह, क्या नाम है आपका फिर? हाँ उसमें आप हमेशा करते हो डीएम शेयर है ना, हाँ ध्यान आ रहा था थोड़ा। ओए शहजादे क्या करे जा रहा है? अरे वाह अच्छा, ये भी ठीक है, नहीं तो मोस्टली सब बोलते हैं कि आप रिप्लाई नहीं करते हो, लेकिन बहुत सारे डीएम रहते हैं ना तो किसी को हो पाता है किसी को नहीं हो पाता। अरे शहजादे दूध मिलाई, वो बाहर ही थे अभी तो आवाज लगाती हूँ ना, वो आपसे मिलने आए, वो आप ही से मिलने आए हैं, भागे चला जा रहा है इसको, बस खुजली चाहिए इसको, इसको इसको बहुत लाड चाहिए शहजादे को, हाँ ये चाटता बहुत है, बहुत चाटता है। देखो ये भी चेक कर रहा है, कह रहा क्या पॉलिथीन में क्या लेके आए, हाँ वही 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 वही। बैठो आप लोग बैठो, भाग जो भाग जो भाग जो भाग जो ले जो, क्यों यहाँ बैठ के माँ मैट अब शायद वो देख रहा है कि भैया मेरे को दे दो, कोई नहीं अभी दे देगा इसको, ये नवाब साहब का चल रहा है फोटो शूट, बहुत अच्छी तरह था बैठ के, लड्डू के लड्डू वो टाइसन भी लड्डू मैं उसके मुंह कर लेती और खुद सो सोता, हां किच्छी होगी किच्छी, अरे वाह अरे वाह किच्छी कर दी किच्छी, बहुत कम आता है इसको लड़ किसी किसी पे आता है, फोटो खींच की फोटो गाइस। वो लोग आए हुए थे नवाब से मिलने और वो आए थे कहाँ से, नजफगढ़ से दिल्ली, मतलब कितने दूर से आए, 2-2.5 घंटे तो उनको मेट्रो में लगेंगे और फिर यहाँ से जाने में मेट्रो, देन मेट्रो से अपने घर, तो पता नहीं शायद वो 11-12 बजे तक ही पहुँच पाएंगे घर, और वो जस्ट गए हैं। तो भाई हम लगाते हैं थोड़ा सा म्यूजिक और म्यूजिक के साथ साथ में अपना टमाटर प्याज काटते हुए बनाते हैं पनीर की भुर्जी, जो कि बहुत ही इंस्टेंट है, जल्दी बन जाएगी क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ 56 भोग में लग जाऊँ इतनी गर्मी में, तो बस पनीर की भुर्जी बनाती हूँ और रोटी बनाते हैं, मैं खाऊंगी नहीं, ताशु और रोहन खाएंगे और उसके बाद मैं जाऊंगी फीडिंग। फाइनली गाइस थोड़ी देर पहले मैंने यहीं से व्लॉग बनाया था, तब मैं बिल्कुल ठीक थी, अभी आप मेरा हालत देख सकते हो, रोटी बनाई है मैंने और आज के प्रसारण हमने सुने हैं यूट्यूब से और गाना सुना है तुम्हारी चुप और हमारा लहजा, गीतकार हैं आतिफ असलम, अदाकारा हैं यमुना जैदी और गाना है पाकिस्तान से, और ख़ास मेरी फ्रेंड महविश के लिए मैंने ये डेडिकेट किया है। महविश अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो मैंने आपके यहाँ का गाना सुना है, वैसे मैं बहुत दिनों से सुन रही हूँ जब से ये रिलीज़ हुआ है गाना, क्योंकि मेरे को आतिफ के गाने बहुत पसंद है, मेरे को सूफी सॉन्ग्स पसंद है एक्चुअली, तो वो मुझे काफ़ी फॉरवर्ड भी करती रहती है मेरी पसंद के गाने, अब वो मतलब मेरा टेस्ट समझ गई है मेरी स्टोरीज देख देख के कि मुझे कौन सा म्यूज़िक पसंद है। तो आज की जो रंगोली, नहीं आज तो संडे है ना, तो रात को क्या चित्रहार आता था, हाँ तो आज के संडे को आता था चित्रहार, कब आता था मेरे को करेक्ट कर देना प्लीज़। ओली मेरी दूदू मलाई आ गया, मेरी दूधी मलाई आ गई आ गई आ गई आ गई, अरे मेरी क्यूटी पाई ये कितनी पॉली बच्ची है यार, ये कितनी पॉली है, मेरा मन करता है मैं इसको खा जाऊँ। सारा काम फिनिश, अब मैं जा रही हूँ फीडिंग के लिए, ताशु आओ बेटा जल्दी आओ, ये नाबू को नवाब भाई साहब का पानी चल रहा है, बैठे बैठे जहाँ भाई साहब बैठे हैं वहीं इनके लिए पानी आएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ मुझे नवाब बनना है अगले जन्म में, मुझे नहीं पता कैसे भी करके, आप लोग प्लीज़ प्रेयर करो कि मुझे नवाब बना दें अगले जन्म। कहाँ रह गए थे आज गुर्रा, क्या चेक कर रहे हैं मेरा बेटा टाइगर, अब दिखाना, अब आना अच्छे से, हाँ अच्छा रहे क्योंकि बैक कैमरा है, टॉर्च दी हुई है, अच्छा खाना जाके, ये पंचायत क्यों लगानी है, मेरा हाथ नहीं खाना जाके, जाओ, ये क्या बात हुई, नहीं बस ये जल्दी खाओ खाना जल्दी खाओ। ताशु भैया आप इतने क्लियर क्यों नहीं आ रहे, ये फ्रंट कैमरा है, मेरा मिर्चा आ गया शाबाश जल्दी मिर्चा, आजा मेरा मिर्चा,
दीदी पाशा ना दीदी पाशा हाँ अच्छी 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 मना कर रहा है मना कर रहा है तू क्यों मिल रही है मेरे में बेटा है आ, 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 मेरा पैर गया बहुत गंदा नेल लगा मिर्ची का परिवार खानदान तो भाई इस ग्रुप में ना मिर्ची भी था सीधा दिखा के जरा ये देखो सबके साथ खा रही है और कोई भी डांट नहीं रहा है मिर्ची तो गाइज ये है मेरा दीवाना और इसका गाना है दीवाना हुआ मस्ताना हुआ तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ आज तो रोटी भी है और ड्राई फूड भी है हम लोग आए तो इनके लिए यहाँ पे ना रोटी 5-6 रोटी पड़ी हुई थी मजे से रोटी पार्टी चल रही थी इनकी तो गाइज फीडिंग फिनिश और मैं आ गई घर अक्षत घर पे था बच्चों के साथ में तो अब मैं अक्षत को ड्रॉप करके आऊँगी और उधर से रोहन को पिक करके आऊँगी देखो मेरी सर्विस इतनी सही है ऑल ओवर की कि एक तरफ से भी आप खाली नहीं जाओगे ताशु आप रुको बस मैं 2 मिनट में आई ठीक है अक्षत को ड्रॉप किया है भैया को भेज दो दूसरी सवारी आ जाओ अप डाउन दोनों भरे हुए खाली नहीं सिंगल साइड नहीं चलती मैं तो त्यागी जी को लेके आई हूँ मैं ना बोलो आपको कोई मतलब नहीं है पापा से अरे मुझसे मिलने आ रहा था मैं भी तो आई हूँ फीडिंग करके आओ गुड्डू मैं भी तो आई हूँ बहुत देर में है ना मैं फीडिंग करने गया था मैं फीडिंग करने पापा मेरी जान तकिया बना के सो रहा है ताशु पैर उठाना बेटा मैं शहजादे को भी दिखाती हूँ क्या कर रही है ये भी इधर चित पड़ा है विच की दीदी विच को गुड नाइट शुभ रात्रि सभी को विचकू के चाहने वालों को विचकू की तरफ से शुभ रात्रि ओके विचकू और इधर पापा ने नवाब को फिर से पकड़ लिया और अब जो होगा वो मैं नहीं बता सकती ना दिखा सकती तो गाइज आज का दिन यहीं खत्म करते हैं आज का दिन होता है यहीं पे खत्म कल मिलते हैं नए दिन के साथ में नए ब्लॉग के साथ में आप सभी को शुभ रात्रि और जो पीछे चल रहा है उसको प्लीज इग्नोर करना क्यों रुला रहे हो उसको सीटी बजा दी उसकी मतलब लगी सीटी रोहन क्यों सीटी बजवाते हो उसकी वो रोने लग जाता है पता है कल मिलते हैं सुबह सुबह और सुबह जल्दी उठना है बाबू आपको 5 बजे उठना है सो जाओ नीनू करो रोनू से सोने दो सुबह जल्दी उठना होता है सुबह ऑफिस जाना है हमें बाय